नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। मित्रों, कारक प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है जो देखिएगा, दसवीं की परीक्षा में जब कारक से प्रश्न आते हैं, कारक प्रकरण से जो प्रश्न देता है, नाइन्थ कक्षा में जब कारक से प्रश्न आते हैं तो समान आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अपन को कॉपी के अंदर किस प्रकार लिखना होता है, कैसे अपन उस कॉपी में कारक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें जिससे कि अपन को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती है, किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इन सभी बातों की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखिए, कारक प्रकरण को लेकर के चलते हैं कि कारक प्रकरण किसे कहते हैं, कारक प्रकरण की परिभाषा क्या है। तो देखिए मित्रों, जब कारक प्रकरण अपन पढ़ते हैं तो कारक प्रकरण की जो परिभाषा होती है, तो देखिएगा कारक प्रकरण क्या कहता है। देखिएगा कारक प्रकरण आपका जो बोलता है वो देखिएगा कि कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक किसे कहते हैं। तो देखिएगा कारक की परिभाषा को अपन जाने, तो देखिएगा कारकम इस कारक की परिभाषा अपन पढ़े, देखिएगा परिभाषा जैसे देखते हैं, क्रियाम जनकत्वम क्रियाम जनकत्वम कारकम क्रियाम जनकत्वम कारकम कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। ये आपकी शॉर्ट परिभाषा है, कारक किसे कहते हैं, क्रियाम जनकत्वम कारकम क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। लेकिन जब विस्तार पूर्वक परिभाषा की अपन बात करते हैं, विस्तार पूर्वक परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिएगा तो क्रियाम जनकत्वम कारकम अर्थात यस्मिन वाक्य अर्थात यस्मिन वाक्ये यस्मिन वाक्य क्रियया क्रियया सह साक्षात संबंधो भक्ति क्रियया सह साक्षात संबंधो भक्ति क्रिया साक्षात संबंधो भक्ति सकारकम इति कथ्यते स
कारकम से कारकम इति कथ्यते से कारकम इति कथ्यते। तो ये आपकी कारक की परिभाषा है मित्रों कि कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या कहती है। तो देखिए कारक की परिभाषा की बात अपन करते हैं तो देखिएगा क्रियाम जनकत्वम कारकम अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रियाम जनकत्वम कारकम क्रिया के जनक को कारक कहते हैं अर्थात यस्मिन वाक्य क्रियया से साक्षात संबंधो भक्ति से कारकम इति कथ्यते। जिस वाक्य में क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है सकारकम इति कथ्यते वह कारक कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। जैसे मित्रों किसी वाक्य के आधार पर अपन परिभाषा को समझते हैं, जैसे वाक्य कोई सा भी ले लीजिए, जैसे माने सीता सीता रामस्य सीता रामस्य पुस्तकम सीता रामस्य पुस्तकम पठती। मित्रों ये वाक्य आपके सामने लिखा है, इस वाक्य के आधार पर अपन इस परिभाषा को समझेंगे कि ये परिभाषा के आधार पर इस वाक्य के अंदर कौन कौन से शब्द कारक है कौन कौन से शब्द कारक नहीं है वो अपन इस वाक्य के आधार पर जान पाएंगे। तो देखिएगा जब वाक्य को अपन देखते हैं तो वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया का मूल रूप होता है। तो देखिएगा इस वाक्य में जब अपन पहचानेंगे कि कौन सा शब्द कर्ता है कौन सा शब्द क्रिया है, तो देखिएगा जब इसमें पठती जो दिखाई दे रहा है जो पठती आपका दिखाई दे रहा है ये आपका क्रिया रूप है, ये आपकी क्रिया है। देखिएगा ये क्रिया है और क्रिया की जब अपन बात करते हैं तो इस क्रिया रूप में धातु की जब अपन चर्चा करते हैं तो देखिए मित्रों धातु की जब बात आती है तो इसमें धातु कौन सी है, धातु है आपकी पठ धातु है और इस पठ धातु का जो अर्थ होता है वो होता है पढ़ना। अब अपन को ये देखना है कि इस क्रिया से किस किस का संबंध है, जिस जिस का संबंध होगा वो शब्द कारक कहलाएगा। तो देखिएगा इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सीता, तो आपका ये कारक हो गया, ये आपका कारक है। पठन किसका हो रहा है, पुस्तक का, तो ये भी आपका क्या हो गया कारक। लेकिन मित्रों अपन देखेंगे कि इस राम का संबंध इस पठती से है या नहीं, तो देखिएगा राम का संबंध या तो पुस्तक से है या फिर आपका सीता से है। इस राम का संबंध पठती से बिल्कुल भी नहीं है, राम का संबंध इस पठती से कोई लिंक नहीं है कोई ताल्लुक नहीं है। इस प्रकार राम का संबंध या तो पुस्तक से है या सीता से है, इसलिए केवल और केवल संबंध है। क्या है यहां पर संबंध है, ये केवल संबंध रखता है और संबंध रखता है तो किससे रखता है, पुस्तक से या फिर सीता से। तो याद रखें संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है कोई ताल्लुक नहीं है कोई लिंक नहीं है, इसलिए संस्कृत व्याकरण में संबंध को कारक नहीं मानते। संबंध का क्रिया के साथ कोई भेद नहीं होता कोई लिंक नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते।
अभी देखेंगे मित्रों, राम संबंध रखता है, संबंध में केवल और केवल विभक्ति का प्रयोग किया गया है संस्कृत व्याकरण में, वो विभक्ति अपन लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब अपन विभक्ति की बात करते हैं तो देखिएगा, जब षष्ठी विभक्ति की बात अपन करते हैं तो यहां पर विभक्ति लगाते हैं षष्ठी, ये आपकी षष्ठी विभक्ति। अब अपन देखेंगे कि एक सीता कारक है, लेकिन कौन सा कारक है उसकी चर्चा अपन करेंगे। ये भी अपन देखेंगे कि सीता कौन सा कारक है, वो उस कारक की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सीता कारक है, कौन सा कारक है इसको जानने के लिए अपन ये देखेंगे कि वाक्य में कार्य करने वाला कौन है? सीता है। तो याद रखना मित्रों, वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, सीता यहां पर कारक है, लेकिन कौन सा है? कर्ता कारक है। क्यों है? क्योंकि वाक्य में कार्य करने वाला कौन है? सीता है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक है, ये आपका कर्ता है। कारक के साथ साथ कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है। कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है वो आपका कर्म कहलाता है। तो किसको चाह रही है सीता? पुस्तक को चाह रही है। तो पुस्तक कारक तो है, लेकिन कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्यों है? क्योंकि सीता जिसको विशेष रूप से चाह रही है वो पुस्तक को चाह रही है, इसलिए उसमें कर्म कारक होता है। तो यहां पर कारक कौन सा हुआ? ये कर्म कारक हो गया। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, इसलिए पुस्तक में द्वितीय लगी हुई है। कर्ता में प्रथमा होती है, इसलिए कर्ता में प्रथमा लगी हुई है। अब देखिए मित्रों, जब अपन बात करते हैं कारक के भेदों की, तो इस प्रकार आप याद रखें, यह आपकी कारक की परिभाषा थी। परिभाषा के बारे में अपन अच्छी तरह से जान गए हैं कि परिभाषा क्या होती है कारक की। तो एक बार पुनः देख लीजिए, क्रियाम जनकत्वम कारकम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, अर्थात यस्मिन वाक्य क्रिया से साक्षात संबंधो भवति स कारकम इति कथित है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा को अपन ने इस वाक्य के आधार पर समझा था, सीता रामस्य पुस्तकम पढ़ती, सीता राम की पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने का काम सीता कर रही है इसलिए ये करता है, पठन पुस्तक का हो रहा है इसलिए ये कर्म है, राम का पुस्तक से संबंध है, राम का सीता से संबंध है, इसलिए केवल और केवल ये संबंध रखता है, और इसलिए संस्कृत व्याकरण में संबंध को कारक नहीं मानते। लेकिन संबंध में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो विभक्ति कौन सी होती है? संबंध में जो विभक्ति अपन लगाते हैं वो आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात संबंध में जो अपन विभक्ति लगाते हैं वो आपकी कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार याद रख लेना, संबंध में जो अपन विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि अपन हिंदी में कारक 8 पढ़ते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी भी चर्चा अपन करते हैं। तो देखिएगा, जब अपन कारक के भेदों की बात करते हैं तो देखिएगा, कारक के भेद या कारक के प्रकार, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए मित्रों, जब कारक के भेदों की बात अपन करते हैं तो देखिएगा, कारक के भेदों की बात अपन करते हैं तो कारक के भेदों में जो आपके सामने भेद आते हैं, तो देखिएगा कारक के जो भेद हैं वो देखिएगा, संस्कृत संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में कारक के
कारक के छह भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक के छह भेद होते हैं। कारक के छह भेद होते हैं। अब मित्र देखिएगा कि कारक के छह भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इन सभी की चर्चा अपन इसमें करेंगे। तो देखिए मित्रों, कारक के छह भेद की अपन बात करते हैं, तो इधर से आप देखिएगा, इधर आप लिखेंगे विभक्ति, इधर आप लिखेंगे कारक, इधर आप लिखेंगे चिन्ह, चिन्ह मतलब दो प्रकार से आप लिख सकते हैं, अगर दो से अपन तीसरे प्रकार से अगर चिन्ह लिखेंगे तो शायद आप गलत लिखोगे। तो याद रख लेना मित्रों, जब अपन चिन्ह की बात आती है तो चिन्ह आपको इस प्रकार से लिखना होगा। अब देखिए कि जब अपन विभक्ति की बात करते हैं, कारक की बात करते हैं, चिन्हों की अपन बात करते हैं, तो इन सभी की चर्चा अपन इस तालिका के माध्यम से करेंगे। तो देखिए मित्रों, विभक्ति आपके जो होती है वो देखिएगा, विभक्ति की बात अपन करते हैं तो देखिए ये आपकी प्रथमा, इधर आपकी द्वितीया, इधर आपकी तृतीया, इधर आपकी चतुर्थी, विभक्ति की अपन बात कर रहे हैं मित्रों कि संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है, इधर आपकी पंचमी, इधर आपकी षष्ठी, इधर आपकी सप्तमी, और इधर आपकी फिर प्रथमा। अब मित्रों देखिएगा, ये आपके संस्कृत व्याकरण में सात विभक्तियां होती है, छह कारक होते हैं। कारक देखिएगा, कारक कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे आप कारक कि कारक आपके कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, प्रथमा विभक्ति में काम करेगा कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति में काम करेगा आपका कर्म कारक, तृतीय विभक्ति में आपके काम करेगा करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में देखिए अपादान, षष्ठी में संबंध, अधिकरण, और प्रथम आपके इधर से संबोधन।
मित्रों याद रखें कि संबोधन जो कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि संबोधन कर्ता कारक का भेद होने के कारण संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार आप याद रख लेना कि संबंध और संबोधन इन दो कारकों को अपन संस्कृत व्याकरण में नहीं मानते हैं। तो ये आप याद रखें। इनके चिन्ह की बात अपन करते हैं तो देखिएगा मित्रों, ये आप याद रखें कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। चिन्हों की अपन बात करते हैं तो चिन्हों में देखिएगा, जब अपन चिन्ह की बात करते हैं तो देखिए आपके किस कारक का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण नेसे के द्वारा करण नेसे के द्वारा नेसे के द्वारा संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग अपादान से अलग संबंध संबंध काके की रारेरी संबंध का के की रा रे री संबंध काके की रारे री अधिकरण में पेपर संबोधन हे ओ अरे भो आई अनेक प्रकार के इनके चिन्ह होते हैं। तो देखिए मित्रों ये आपके कारक हैं। अब कारक में देखिएगा कि जब अपन कारक की बात करते हैं तो कारक में जब अपन बात करेंगे तो देखिएगा आपका एक तो संबंध कारक और एक आपका संबोधन कारक। इन दो कारकों को संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता। इन दो कारकों को संस्कृत व्याकरण में कारक स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? परिभाषा के माध्यम से अपन ने समझा था कि संबंध को क्यों नहीं मानते, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता इसलिए कारक नहीं मानते। संबोधन को कारक क्यों नहीं मानते? क्योंकि संबोधन कर्ता कारक का भेद होने के कारण इसलिए संबोधन को कारक नहीं मानते। लेकिन संस्कृत व्याकरण में संबंध में षष्ठी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियां और 6 कारक होते हैं। ये आप कारक की परिभाषा के माध्यम से समझें। एक बार पुनः देख सकते हैं मित्रों कि जब अपन पढ़ रहे हैं कि कारक के भेद कौन कौन से होते हैं, तो कारक के भेद याद रखना, कारक के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रख लेना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कारक के 6 भेद होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, केवल और केवल इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप याद रखें कि संस्कृत व्याकरण में 6 कारक 7 विभक्तियां होती है। इसी के साथ ये अपनी कारक की परिभाषा का वीडियो था मित्रों। जब अपन नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें अपन कारकों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कारकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो मित्रों लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।